जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। सोया प्लांट को अब सोयाबीन के छिलके यानी कि जिसे सोयाबीन हस्क भी कहा जाता है उस पर भी अब 5% GST देना होगा। अब तक प्लांट इस पर कोई टैक्स नहीं दे रहे थे, यह फैसला पूरे देश में एक साथ लागू होगा। GST मध्य प्रदेश की डबल एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने यह फैसला विदिशा स्थिति अदानी ग्रुप के सोया सॉल्वेंट एंड एक्सट्रैक्शन प्लांट के मामले में लिया है। अब तक सोया हस्क पोल्ट्री इंडस्ट्रीज को बिना टैक्स चुकाए ही बेचा जा रहा था। मध्य प्रदेश में लगभग 40 सोया प्लांट हैं। एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने यह माना है कि अब तक इसे पोल्ट्री या एनिमल फीड मानकर टैक्स मुक्त करके बेचा जा रहा था, लेकिन वास्तव में यह कच्चा माल है। इसका उपयोग जानवरों का भोजन बनाने के लिए किया जाता है। जानकार कहते हैं कि हर प्लांट में हर साल हजारों टन हस्क निकलती है। इस पर टैक्स लगने से प्लांट का परिचालन व्यय बढ़ेगा, जानवरों के लिए तैयार होने वाले भोजन की लागत बढ़ेगी। इसका असर चिकन की कीमतें और दूध के दामों पर भी पड़ सकता है। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। देश के हर छोटे बड़े दुकानदार स्टोर मालिक को बिग ब्लिस देता है खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको। बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।